नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है गांधीनगर कैपिटल जम्मू तवी एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में, जो कि डेली ट्रेन है, हफ्ते के 7 दिन चलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है गांधीनगर कैपिटल जम्मू तवी एक्सप्रेस ट्रेन। ये जो ट्रेन है गांधीनगर कैपिटल गुजरात से जम्मू तवी के बीच डेली ट्रेन है। पहले ये अहमदाबाद से स्टार्ट होती थी, अभी इसे गांधीनगर कैपिटल से कर दिया गया है। ये जो ट्रेन है गांधीनगर कैपिटल से जम्मू तवी की जो दूरी है 31 घंटे 20 मिनट में कवर करती है और उसका ट्रेन नंबर है 19223। तकरीबन 49 स्टेशन है, 1470 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 47 किलोमीटर पर आवर है। मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, वेस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है और ये ICF कोचेस वाली अभी ट्रेन है। और ये जो ट्रेन है डेली ट्रेन है, हफ्ते के 7 दिन चलती है। आगे बात करते हैं इसके रूट मैप के बारे में। तो ये जो ट्रेन है गांधीनगर कैपिटल से अपनी यात्रा जो है स्टार्ट करती है, फिर मेहसाना जंक्शन होते हुए पालनपुर जंक्शन में पहुंचती है, आबू रोड होते हुए मारवाड़ जंक्शन में पहुंचती है, फिर बीकानेर सूरतगढ़ जंक्शन हनुमानगढ़ जंक्शन होते हुए ये ट्रेन जो है मंडी डबवाली में पहुंचती है। मंडी डबवाली के बाद ये ट्रेन जो है बठिंडा फिरोजपुर कैंट जंक्शन में इसका रिवर्सल होता है। कपूरथला जलंधर होते हुए ट्रेन जो है टांडा दसुआ मुकेरियाँ पठानकोट होते हुए ट्रेन जो है जम्मू तवी में जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त करती है। इस यात्रा को करने के लिए से 1470 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर करनी पड़ती है। अगर टिकट किराए के बारे में बात करें तो मैं जो अभी आपको गांधीनगर कैपिटल जम्मू तवी का टिकट किराया बताऊंगा वो गांधीनगर कैपिटल से जम्मू तवी तक का होगा। इसमें सेकंड एसी थर्ड एसी स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। सेकंड एसी की बात करें तो गांधीनगर कैपिटल से जम्मू तवी तक का किराया है पर सीट का 2365 रुपये, जिसमें 2202 रुपये तो बेस पर है। रिजर्वेशन चार्ज 50 रुपये है, GST चार्ज 113 रुपये है। टोटल किराया 2365 रुपये है। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें। इसके अलावा इस ट्रेन में थर्ड एसी के कोच भी है। थर्ड एसी का जो गांधीनगर कैपिटल से जम्मू तवी तक का किराया है वो है 1635 रुपये, जिसमें 1517 रुपये तो बेस पर है। रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये है, GST चार्ज 78 रुपये है। टोटल किराया 1635 रुपये है। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें। इसके अलावा इस ट्रेन में स्लीपर क्लास के कोच भी हैं। स्लीपर क्लास की बात करें तो स्लीपर क्लास का किराया है 610 रुपये, जिसमें 590 रुपये तो बेस पर है। रिजर्वेशन चार्ज 20 रुपये है। टोटल किराया 610 रुपये है। ये इसमें GST चार्ज नहीं जोड़ा जाता। इसके अलावा जनरल डिब्बों की बात करें तो जनरल डिब्बों के तकरीबन 3 कोच हैं इस ट्रेन में, जिसमें अगर आपने जाना है तो तकरीबन 370 रुपये किराया होगा, जो कि गांधीनगर कैपिटल से जम्मू तवी तक का बता रहा हूँ। बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें, वहां से आपको सही किराया जो है कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे बात करते हैं गांधीनगर कैपिटल से जम्मू तवी तक चलने वाली गांधीनगर कैपिटल जम्मू तवी एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में और जान लेते हैं इसके कौन कौन से स्टेशन आते हैं। गांधीनगर कैपिटल जम्मू तवी एक्सप्रेस ट्रेन जो है गांधीनगर कैपिटल जो कि अहमदाबाद के पास का स्टेशन है, यहाँ से हर रोज़ सुबह 11:20 पर एक नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और तकरीबन 31 घंटे 20 मिनट बाद जम्मू तवी में अगले दिन शाम के 6:40 पर 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुँचती है। जो दूसरा स्टेशन इस ट्रेन का है वो है कालोल जंक्शन गुजरात। यहाँ पर ट्रेन जो है सुबह 11:38 पर पहुँचती है और 11:40 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 20 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है मेहसाना जंक्शन गुजरात में पहुँचती है दोपहर के 12:10 पर और 12:12 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 62 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। मेहसाना जंक्शन के बाद ये ट्रेन जो है उंझा रेलवे स्टेशन पे दोपहर के 12:30 पे पहुंचती है और 12:32 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। यहाँ पर योगा एक्सप्रेस के साथ इसकी डेली क्रॉसिंग होती है। उंझा के बाद ये ट्रेन जो है सिद्धपुर रेलवे स्टेशन गुजरात में पहुंचती है। यहाँ पर ट्रेन जो है दोपहर के 12:48 पर पहुंचती है और 12:50 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। दौलतपुर चौक साबरमती एक्सप्रेस के साथ इसकी यहाँ पर डेली क्रॉसिंग होती है। इसके बाद गुजरात के आखिरी स्टेशन पालनपुर जंक्शन गुजरात में दोपहर के 1:55 पर पहुँचती है और 2 बजे वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। आपू रोड रेलवे स्टेशन राजस्थान में ट्रेन जो है दोपहर के 2:35 पर पहुंचती है और 2:45 पर वहां से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 180 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है।
पिंडवारा राजस्थान में ट्रेन जो है दोपहर के 3:19 पे पहुंचती है और 3:21 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 223 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। जवाई बांध राजस्थान में ट्रेन जो है दोपहर के 3:50 पे पहुंचती है और 3:52 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 263 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है JWB। इसके बाद फलना रेलवे स्टेशन राजस्थान में ट्रेन जो है शाम के 4 बजे के करीब पहुंचती है और 4:02 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 278 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है मारवाड़ जंक्शन में शाम के 5:05 पे पहुंचती है और 5:10 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। पाली मारवाड़ रेलवे स्टेशन राजस्थान में ट्रेन जो है शाम के 5:50 पे पहुंचती है और 5:55 पे वहां से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 375 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। जोधपुर रेलवे स्टेशन राजस्थान में ट्रेन जो है शाम के 7:20 पे पहुंचती है और 7:25 पे वहां से रवाना हो जाती है। 15 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 450 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है पीपर रोड जंक्शन में पहुंचती है शाम के 7:58 पे और 8 बजे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है मेटा रोड जंक्शन में रात के 8:45 पे पहुंचती है और 8:50 पे वहां से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद नगौर रेलवे स्टेशन पे रात के 9:45 पे पहुंचती है और 9:50 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 660 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। बीकानेर जंक्शन राजस्थान में ट्रेन जो है नोखा रेलवे स्टेशन पे रात के 10:26 पे पहुंचती है और 10:28 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद गांधीनगर कैपिटल जम्मू तवी एक्सप्रेस ट्रेन जो है बीकानेर जंक्शन में पहुंचती है रात के 12:50 पे और 1 बजे वहां से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। यहां पर इसका इलेक्ट्रिक इंजन से डीजल इंजन चेंज होता है। इसके बाद ये ट्रेन जो है लालगढ़ जंक्शन में पहुंचती है रात के 1:10 पे और 1:12 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 728 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद लूनकरण सर में ट्रेन जो है रात के 2:12 पे पहुंचती है और 2:14 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। अवध असम एक्सप्रेस के साथ इसकी डेली क्रॉसिंग होती है और इसके बाद ये ट्रेन जो है सूरतगढ़ जंक्शन में पहुंचती है रात के 3:50 पे और 3:55 पे वहां से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 908 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद पीलीबंगा रेलवे स्टेशन पर यह ट्रेन जो है पहुंचती है 4:20 पे और 4:22 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान में ट्रेन जो है 4:50 पे पहुंचती है और 4:55 पे वहां से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 956 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद संगारिया रेलवे स्टेशन पे सुबह 5:20 पे पहुंचती है और 5:22 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है मंडी डबवाली जो कि हरियाणा का इकलौता स्टेशन है यहां पर ट्रेन जो है सुबह 5:50 पे पहुंचती है और 5:55 पे वहां से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद गांधीनगर कैपिटल जम्मू तवी एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो बठिंडा जंक्शन पंजाब में सुबह 7:30 पे पहुंचती है और 7:45 पे वहां से रवाना हो जाती है। 15 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। गोनियाना भाई जगता रेलवे स्टेशन पे ये ट्रेन जो है सुबह 7:58 पे पहुंचती है और 1 मिनट बाद वहां से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद गंगसर जैतो रेलवे स्टेशन पे ट्रेन जो है सुबह 8:09 पे पहुंचती है और 8:11 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 1075 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। गंगसर जैतो के बाद कोटकपूरा जंक्शन पंजाब में सुबह 8:41 पे पहुंचती है और 8:43 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है।
फरीदकोट रेलवे स्टेशन पंजाब में ट्रेन जो है सुबह 8:58 पर पहुंचती है और 9 बजे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 1104 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है फिरोजपुर कैंट जंक्शन में पहुंचती है सुबह 9:40 पर और 10:05 पर वहां से रवाना हो जाती है। 25 मिनट का स्टॉप है, 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। यहाँ पर इसका रिवर्सल होता है और 1136 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। मल्लावाला खास रेलवे स्टेशन पर यह ट्रेन जो है सुबह 10:26 पर पहुंचती है और 10:28 पर वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 1160 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। मक्खू रेलवे स्टेशन पंजाब में ट्रेन जो है सुबह 10:43 पर पहुंचती है और 10:45 पर वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 1170 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है लोहिया खास जंक्शन में सुबह 11:15 पर पहुंचती है और 11:17 पर वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 1204 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। सुल्तानपुर लोधी में ट्रेन जो है सुबह 11:24 पर पहुंचती है और 11:26 पर वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 1208 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री में ट्रेन जो है सुबह 11:46 पर पहुंचती है और 11:47 पर वहां से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद गांधीनगर कैपिटल जम्मू तवी एक्सप्रेस ट्रेन जो है कपूरथला रेलवे स्टेशन पर सुबह 11:54 पर पहुंचती है और 11:56 पर वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 1233 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। जलंधर सिटी जंक्शन में ट्रेन जो है दोपहर के 12:35 पर पहुंचती है और 12:45 पर वहां से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 1255 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद पोकपुर सिरवाल रेलवे स्टेशन पंजाब में ट्रेन जो है दोपहर के 1:13 पर पहुंचती है और 1:15 पर वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। टांडा उड़मुड़ पंजाब में ट्रेन जो है दोपहर के 1:28 पर पहुंचती है और 1:30 पर वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 1296 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है दसुआ रेलवे स्टेशन पर दोपहर के 1:44 पर पहुंचती है और 1:46 पर वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 1311 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। मुकेरियां रेलवे स्टेशन पंजाब में ट्रेन जो है दोपहर के 2:03 पर पहुंचती है और 2:05 पर वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद गांधीनगर कैपिटल जम्मू तवी एक्सप्रेस ट्रेन जो है पठानकोट कैंट रेलवे स्टेशन पर दोपहर के 2:41 पर पहुंचती है और 2:43 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद पठानकोट जंक्शन में ट्रेन जो है दोपहर के 3 बजे पहुंचती है और 3:40 पर वहां से रवाना हो जाती है। यहां पर इसका 40 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 1370 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। कठुआ रेलवे स्टेशन पर यह ट्रेन जो है शाम के 4:13 पर पहुंचती है और 4:15 पर वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद गांधीनगर कैपिटल जम्मू तवी एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो हीरा नगर रेलवे स्टेशन पर शाम के 4:41 पर पहुंचती है और 4:43 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद गांधीनगर कैपिटल जम्मू तवी एक्सप्रेस ट्रेन जो है गगवाल रेलवे स्टेशन पर शाम के 5:14 पर पहुंचती है और 5:16 पर वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 1427 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। विजयपुर जम्मू में ट्रेन जो है शाम के 5:56 पर पहुंचती है और 5:58 पर वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद गांधीनगर कैपिटल जम्मू तवी एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो अपने आखिरी स्टेशन जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पे शाम के 6:40 पर पहुंचती है और 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। यहां तक की जो यात्रा है 1470 किलोमीटर के करीब ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है। दोस्तों इसी के साथ गांधीनगर कैपिटल जम्मू तवी एक्सप्रेस की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। इस तरह चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।